सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? अब देखना, ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने एग्जाम्स देने वाले हैं मई 23 को, या फिर नवम्बर 23, या फिर मई 24, राइट? तो जनरली इन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो जो है ये रेलिवेंस रखता है। दैट इज रिगार्डिंग कि सर, आईसीएआर ने कुछ टाइम पहले मेजर चेंजेस अनाउंस कर रहे थे इन द सिलेबस, है ना, मेजर चेंजेस इन द सिलेबस, बट उसके बाद आईसीएआर साइलेंट हो गया। आईसीएआर ने कुछ अपडेट्स दिए उसके अंदर और उसके बाद आईसीएआर साइलेंट हो गया। तो आईसीआर ने बेसिकली उसके अंदर बताया था, अगर हम ब्रीफ करें, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करें, तो आईसीआर ने उसके अंदर बताया था कि सीए फाइनल में से जो लॉ का पोर्शन है वो हट जाएगा, और जो ईसीएल का पोर्शन है, इकोनॉमिक लॉस पेपर 6G का पोर्शन है, वो हट जाएगा। बेसिकली ये जो ओपन बुक वाला कॉन्सेप्ट था, ये ओपन बुक वाला कॉन्सेप्ट जो इलेक्टिव पेपर लास्ट था, वो हट जाएगा, ठीक है? तो एक तो ये बताया था कि सीए फाइनल में से लॉ और इकोनॉमिक लॉस हट जाएगा, एंड लॉ का ये जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है यहाँ का, वो इंटर में शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा बताया गया था कि आर्टिकलशिप पीरियड जो है वो रिड्यूस होगा, रिडक्शन इन आर्टिकलशिप पीरियड। उसके अलावा स्टाइफंड लिमिट्स वगैरह को इंक्रीज करने की बात की गई थी कि हम स्टाइफंड लिमिट्स वगैरह को इंक्रीज करेंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द स्टाइफंड लिमिट्स एंड एवरीथिंग, राइट? प्लस फोकस विल बी ऑन एंट्री लेवल, की जो एंट्री लेवल है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए, और जो एग्जिट लेवल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल किया जाए, जो दिक्कत अभी कहीं ना कहीं बच्चे फेस कर रहे होते हैं। तो ये जो सर अपडेट्स आया था, मतलब और भी उसके अंदर काफी सारे अपडेट्स था कि दिस इज द ड्राफ्ट एंड दिस आर द पॉसिबल चेंजेस, बट एग्जैक्टली सर ये कब लागू होगा, इसके अंदर क्या क्या एग्जैक्ट चेंजेस आएंगे? बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम मई 23 में है, या फिर जिनके एग्जाम नवम्बर 23 में है, मई 24 में है, और जिन्होंने अपना प्रिपरेशन होल्ड में डाल के रखा हुआ है कि सर ये आईसीए कब सिलेबस अनाउंस करें, हम कब पढ़ना स्टार्ट करें एंड एवरीथिंग। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारा लोचा है। बहुत सारा लोचा क्या है? सबसे पहले कन्वर्जन का क्या स्कीम रहेगा, वो अपने को देखना पड़ेगा, है ना, कि व्हाट इज गोइंग टू बी द स्कीम ऑफ कन्वर्जन, फ्रॉम व्हेन इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, एप्लीकेबिलिटी कब से होगा, ये चीज अपने को देखनी रहेगी कि सर एप्लीकेबिलिटी कब से रहेगा। तो देखो यार, जो मई 24 के बच्चे हैं ना, उनके केस में तो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मई 23 के बच्चे हैं, सॉरी, जो मई 23 के बच्चे हैं, उनके केस में तो बिल्कुल भी ये सिलेबस एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो आप लोग तो एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, एकदम रिलैक्स्ड वे में आराम से जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते जाओ। जो नवंबर 23 के बच्चे हैं, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि अभी एग्जैक्टली नहीं पता, 50-50 चांसेस है कि एप्लीकेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट? जो मई 24 के बच्चे हैं, वहां तो भैया 100% चांसेस है कि एप्लीकेबल होगा ही होगा, दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। तो अब आइडियली क्या करना है, मई 23 के बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई, आपने लॉ की क्लासेस लगानी है आप लगा लो आराम से, इकोनॉमिक्स लॉ पेपर 6D की क्लासेस लगानी है लगा लो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ते रहो। नवंबर 23 के जो बच्चे हैं, एक बार के लिए बट आई विल अनाउंसेस एडवाइजेस कि जब तक आईसीए का प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं आ जाता, क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑडिट है, ऑडिट कर लीजिए, बाकी एफआर वगैरह है वो सारा कुछ कर लीजिए, डीटी कर लीजिए, आईडीटी कर लीजिए, ये सारे टॉपिक्स कर लीजिए जो कॉमन टॉपिक्स हैं। बाकी टॉपिक्स को एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हो, लेट द आईसीए अनाउंसमेंट कम एंड लेट द क्लैरिटी बी देयर, सेम थिंग आई विल एडवाइस फॉर मई 24, है ना? तो अपने पैनिक नहीं होना, बट फिलहाल जिन सब्जेक्ट्स को ऐसे ने हटाने की बात करी थी, जैसे लॉ है, इकोनॉमिक लॉज है, आप उनको एक बार के लिए मत पढ़ो, बट जो मई 23 के बच्चे हैं, आप बेफिक्र होके पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहाँ पे कब से ये जो अनाउंसमेंट ऐसे का कब से आएगा, कब आएगा एग्जैक्टली, कब ऐसे क्लैरिफाई करेगा, कब क्लैरिफाई करेगा कि एग्जैक्टली चेंजेस क्या क्या है और कब से एप्लीकेबल है? तो एग्जैक्टली ऐसे ने अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है, बट जो न्यूज मुझे मिला है फ्रॉम द हिडन सोर्सेज, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, कि मे बी बाई नवंबर 22, नवंबर 22 को मोस्ट लाइकली आईसीए का क्लैरिटी आ जाएगा अपॉन दिस। लेट अस वेट टिल नवंबर।
इसके अंदर और भी काफी सारे चेंजेस प्रपोज्ड हैं जो सुनने को आ रहा है, बट जब तक आईसीआई का एग्जैक्टली जो चेंज का ड्राफ्ट है वो ना आ जाए तब तक हम कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। लेट द आईसीआई रिलीज इट, है ना, लेट द आईसीआई रिलीज इट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अच्छा है बुरा है सही है गलत है, उसको वो डिस्कशन बाद में होगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई जो मई 23 के बच्चे हैं आप लोग तो कम से कम अपनी तैयारी बेफिक्र होकर करें, आप लोग के केस में कोई चेंजेस नहीं होगा। आई कैन अश्योर नवंबर 23 के बच्चों के केस में 50-50 चांसेस है, मई 24 में तो 100% है। तो आप लोग चाहो तो लॉ को अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो, और उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट डिले योर प्रिपरेशन, वरना बाद में दिक्कत होगा कवर करने में। कुछ चेंजेस होगा तो वो आप कर लोगे बट बाद में फिर डिले होगा, तो एटलीस्ट एक दो सब्जेक्ट लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट इज वॉट आई विल एडवाइज यू, राइट। उसके अलावा किसी भी चीज को होल्ड में मत डालो कि आईसीआई का अनाउंसमेंट नहीं आया, जो जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा प्रिपरेशन चल रहा है चलने दो, जैसी आर्टिकलशिप चल रही है चलने दो, लेट द अनाउंसमेंट कम, अनाउंसमेंट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या बातें हैं। अभी से उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना, अभी के लिए उस चीज को दिमाग में नहीं लगाना, एंड अभी के लिए उस चीज के लिए अपने स्टडीज को होल्ड में भी नहीं डालना। यस थोड़ा सा स्मार्ट बनना है कि नवंबर 23 का एग्जाम है, मई 24 का एग्जाम है, नवंबर 24 का एग्जाम है, तो एक बार के लॉ नहीं पढ़ते हैं, लॉ के दो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो एक चीज माइंड के अंदर आपको रख के रखनी है। सो दिस वॉज अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जाम्स इन द अपकमिंग अटेम्प्ट्स, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट।